हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सब ऑर्डर ऑफ ऑर्डर थैस्नोरा। थैस्नोरा के दो ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट है माइक्रोकैरिफिया, सेकंड जाइगंटोमा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं ऑर्डर थैस्नोरा का थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन। उसका डिटेल में एक और वीडियो है, उसका डिटेल में थैस्नोरा का कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। बाकी जो तीन इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो है, फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो ऑर्डर थैस्नोरा के इंसेक्ट्स होते हैं उनका एब्डोमेन सेगमेंट रहता है 11 सेगमेंट्स में डिवाइड रहता है। ये ऑर्डर थायस्नोरा एप्टेरिगोट्स से बिलोंग करता है, क्लास एप्टेरिगोट्स, क्लास इंसेक्टर सब क्लास एप्टेरिगोट्स से बिलोंग करता है। इसलिए क्या होती है, विंगलेस बॉडी होती है, कवर्ड रहते हैं स्केल्स से जो ग्रे और सिल्वर मेटेलिक कलर के भी होते हैं। टर्मिनल मीन्स 11 सेगमेंट, जो लास्ट सेगमेंट होता है उसे हम टर्मिनल सेगमेंट भी बोलते हैं इंसेक्ट का। उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, एक लॉन्ग सरसी प्रेजेंट रहती है और एक लॉन्ग अपियर ऑफ सॉरी अपियर ऑफ लॉन्ग सरसी प्रेजेंट रहती है, और सरसी के बीच में से एक कॉडल फिलामेंट प्रेजेंट रहेगा। इसको सरसी बोल सकते हैं, सिर्राई बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर थायस्नोरा। जो ऑर्डर थायस्नोरा रहता है वो डिवाइड रहता है टू सब ऑर्डर्स में, फर्स्ट हो गया माइक्रोकैरिफिया एंड सेकेंड हो गया जाइगेंटोमा। तो जो माइक्रोकैरिफिया सब ऑर्डर है उसका सुपर फैमिली है मेकाइलोइडिया, फैमिली है मेकाइलिडी, एंड एग्जाम्पल इसका है पेट्रोबियस, इसको हम ब्रिस्टल टेल भी बोलते हैं। सब ऑर्डर आता है जाइगेंटोमा, इसका सुपर फैमिली है लेपिसमेटिडाए, फैमिली लेपिसमेटिडाए। सॉरी, इधर लेपिसमेटिडाए नहीं है, इधर लेपिसमेटिडिया होगा, क्योंकि ये सुपर फैमिली है इसलिए डिया होता है, DEA नॉट DAE। फैमिली में आता है DAE लेपिसमेटिडाए। एग्जाम्पल हो गया लेपिस्मा, लेपिस्मा को सिल्वर फिश भी बोलते हैं। तो पेट्रोबियस कॉमनली नोन एज ब्रिस्टल टेल भी बोलते हैं। इसका जो बॉडी रहता है वो कंप्रेस्ड रहता है। आइज लार्ज होती हैं, मैंडिबल्स विथ मोलर एंड इंसिजर आर डिस्टिंक्ट। जो मैंडिबल्स एंड विथ मोलर एंड इंसिजर, ये माउथ पार्ट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो बाइटिंग एंड चीविंग का कम करते हैं और वर्क करते हैं। मैक्सिलरी पल्प होता है, वो कंपोज्ड ऑफ 7 सेगमेंट से बना हुआ होता है। जो एब्डोमिनल सेगमेंट से अपेंडिक्स प्रेजेंट रहते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट्स में, जो 11 सेगमेंट्स रहते हैं उधर ही प्रेजेंट रहते हैं अपेंडिसेस। मैलपीजेंट ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में, वो रहते हैं 12 to 20 पेयर्स। इसमें माइक्रोकैरिफिया मतलब ब्रिस्टल टेल में प्रेजेंट रहते हैं 12 to 20 पेयर्स। इनमें 10 मोल्ड्स प्रेजेंट रहती हैं, मतलब 10 बार मोल्ड्स होता है ये इंसेक्ट, उसके बाद एडल्ट फॉर्म में आता है। ये हो गया उसका डायग्राम। ये एंटीनाए है, इसका जो आई है वो लार्ज होता है। जो सिल्वर फिश के कंपैरिजन इसका आई लार्ज होता है, क्योंकि सिल्वर फिश का आई स्मॉल रहता है। ये इसका एंटीना है, ये हो गया इसका हेड, और ये इसका है ये इतना थोरेक्स, एंड ये 11 सेगमेंट्स में इसका एब्डोमेन डिवाइड है। ये हो गया इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स, जो इंसेक्ट्स का मेन कैरेक्टर है। और मैंडिबल्स रहते हैं, जो इसका मतलब माउथ पार्ट्स है, उसमें मोलर विथ मोलर एंड इंसिजर एरिया इनडिस्टिंक्ट। मैक्सिलरी पल्प इसका 5 सेगमेंट से बना हुआ होता है। इसके एब्डोमिनल सेगमेंट्स में भी अपेंडिसेस प्रेजेंट रहते हैं। जो मैलपीजेंट ट्यूब्यूल्स हैं मीन्स एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, वो 4 to 8 पेयर्स के होते हैं, किसमें लेपिस्मा में। ये इसमें 15 मोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं बिफोर मैच्योरिटी, मीन्स इसमें जो लार्वा होता है वो 15 मोल्ड्स काटता है, उसके बाद एडल्ट फॉर्म में आता है। ये हो गया लेपिस्मा का डायग्राम, तो क्लियर समझ में आ गया। ये है इसके एंटीनाए, एकदम इसमें छोटी स्मॉल आई प्रेजेंट हैं। ये हो गया इसका थोरेक्स, और उसके बाद आया एब्डोमेन। ये हो गया इसका थोरेक्स, ये हो गया प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तीनों थोरेक्स समझ में आ रहे हैं एकदम क्लियरली। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, थोरेक्स डिवाइड होता है ना 3 पार्ट्स में, इसलिए ये हो गया इसके सेगमेंट्स, 11 सेगमेंट्स डिवाइड रहता है। ये हो गया टर्मिनल सेगमेंट्स मीन्स 11 सेगमेंट्स। ये निकला हुआ है सिर्राई, 1 पेयर ऑफ सिर्राई प्रेजेंट रहता है इसके 11th सेगमेंट में मीन्स टर्मिनल सेगमेंट में, और ये हो गया इसका कॉडल फिलामेंट। थैंक यू।